आप देख रहे हैं आपका चैनल लीडर सदैव। प्रदेश पुलिस ने नशे के कारोबारियों की हर कोशिश को नाकामयाब करने के लिए इन नशा तस्करों को पकड़ने के लिए दिन रात एक कर दिया है और नशा तस्करों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। जहां शहरों में आए दिन कोई ना कोई नशा तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर अब इन नशा तस्करों ने ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को भी अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ऐसा ही एक मामला पुलिस चौकी कुठाड़ के तहत सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुठाड़ पुलिस चौकी से HASI रामस्वरूप, हेड कांस्टेबल जसवीर सिंह और कांस्टेबल पवन ठाकुर ने गुरुवार रात को करीब 3 बजे कुठाड़ से भाट की हट्टी मार्ग पर बिशनपुर में गश्त के दौरान एक युवक को कुठाड़ की ओर से आते हुए देखा। जैसे ही उक्त युवक ने पुलिस टीम को देखा तो डर के मारे वापिस भागने लगा, तो पुलिस को इस पर शक हुआ और उन्होंने उसे धर दबोचा। इसके बैग की तलाशी लिए जाने पर उसमें से 16.6 ग्राम चिट्टा और एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद किया गया है। पुलिस ने चिट्टे सहित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान विक्रम सिंह गांव बुघार के नेता के रूप में हुई है। इस मामले की पुष्टि करते हुए उपाधीक्षक परवाणु योगेश रौल्टा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में भी पुलिस इन नशा तस्करों को पकड़ने के लिए सक्रियता से काम कर रही है। युवाओं को नशे के दलदल में धकेलने वाले इन तस्करों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। कुठाड़ पुलिस चौकी के अंतर्गत पकड़े गए इस नशा तस्कर से भी पुलिस कड़ी पूछताछ कर रही है, ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि ग्रामीण क्षेत्र में ये नशे की खेप कहां से आई। मेरी लोगों से यही अपील है कि वो अपने जो भी बच्चे हैं, स्कूल गोइंग हैं, कॉलेज गोइंग हैं, उन पे थोड़ा सा नजर रखें, और ताकि वो किसी तरह का अगर कोई नशा ले रहे हैं, जैसे इसके लक्षण हैं, कोई चिड़चिड़ा बिहेव करता है, अलग रहता है, उसकी सेहत जो है अचानक से डाउन हो रही है और किसी से बात नहीं करता है, या कि उस पर्टिकुलर पीयर ग्रुप के साथ बच्चा रहता है, तो मेरा पेरेंट्स से आह्वान है कि वो बच्चों पे नज़र रखें, और इस तरह के अगर किसी में सिम्टम पाए जाते हैं तो उसको क्रॉस चेक एक बार ज़रूर कराएं, और जो भी अथॉराइज्ड डी एडिक्शन सेंटर्स हैं या हमारे यहाँ RH हॉस्पिटल में भी साइकेट्रिस्ट अवेलेबल हैं, वहाँ पे जाके बच्चे का ट्रीटमेंट करवाएं। और इसके अलावा अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी आपके अराउंड ऐसी हो रही है जो कि आपके नोटिस में आती है कि कोई व्यक्ति इस तरह का कोई नशे की वस्तु बेच रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशन जो है हमारे से शेयर करें। और सोलन पुलिस की जो मुहिम है नशे के खिलाफ, इसमें हमारा सहयोग करें, जैसा पहले भी हमें सहयोग मिलता रहा है, ताकि हम इस बुराई को समाज से दूर कर सकें। और इसके लिए हमारा जो कंट्रोल रूम का नंबर है 223836, इस पे कोई भी 24 आवर इन्फॉर्मेशन दे सकता है, उसका नाम सीक्रेट रखा जाएगा, और जो भी इस तरह का कोई अवैध काम करता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला सोलन के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों पर नजर रखें कि कहीं उनका बच्चा किसी तरह के नशे की लत में तो नहीं पड़ गया। यदि ऐसा लगता है तो उन्हें नजदीक के नशा निवारण केंद्र तक पहुंचाएं। साथ ही उन्होंने समस्त जनता से भी ये आग्रह किया है कि यदि किसी को भी नशा तस्करों के बारे में कोई भी जानकारी हो तो वह अवश्य ही सोलन पुलिस से साझा करें, ताकि नशे के विरुद्ध छेड़ी गई इस मुहिम को सफल बनाया जा सके। कुठाड़ जिला सोलन से आपका चैनल के लिए राजीव खामोश की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं आपका चैनल, प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको मिलती रहे हमारी हर अपडेट की नोटिफिकेशन।